So in the last session we have seen how cyclic codes. So we have solved the problem, couple of problem for cyclic codes. So I think things are clear. So I have given one assignment to solve the problems. So nobody has come to me for any doubt or so. I think everybody is clear with the concept and all. So if anybody will अगर कोई भी दिक्कत फ्यूचर में रहता है तो आप यू कैन यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम. सो यू कैन सॉल्व द आरटीयू पेपर्स ऑफ द साइक्लिक कोड्स. नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी द लाइन कोडिंग. सो दिस इज न्यू टॉपिक फॉर यू. सो हैव यू स्टडीड द लाइन कोडिंग इन डाटा कंप्रेशन? इफ यू हैव स्टडीड सो आई विल मूव टू द अदर टॉपिक. सो आर यू अवेयर ऑफ लाइन कोडिंग? So should I so if you are not aware, should I means are you aware or not? So let me know. So आप लोग लाइन कोडिंग पढ़ चुके हैं डाटा कंप्रेशन में या नहीं? पढ़ चुके हैं? ऐश्वर्या गुंजन, यू हैव रिटन यस सर. सो यू हैव स्टडीड लाइन कोडिंग इन डाटा कंप्रेशन. ओके फाइन. सो वी विल स्टार्ट विद लाइन कोडिंग. सो आवर टुडेज टॉपिक इज लाइन कोडिंग. सो बेसिकली लाइन कोडिंग इज सो द यू विल चेंज आवर बाइनरी. सो वट एवर बाइनरी डाटा वी आर हैविंग, सो दैट बाइनरी डाटा वी विल चेंज इन टू द डिजिटल सिग्नल. डिजिटल सिग्नल और यू कैन से इलेक्ट्रिकल पल्स. सो दिस इज वॉट लाइन कोडिंग इज. सो सपोज योर बाइनरी डाटा इज 0 0 1 1 1 और 0. सो यू हैव टू चेंज इन ए इलेक्ट्रिकल पल्स. सो लाइक दिस पल्स यू हैव टू चेंज इन दिस. सो दिस इज वॉट लाइन कोडिंग इज. सो आई विल टेल यू हाउ टू चेंज दिस. सो वी विल ब्रीफली स्टडी अबाउट दिस लाइन कोडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइन कोडिंग. सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन कोडिंग. सो यू कैन सी इन दैट फर्स्ट वन इज एनआरजेड. सो दैट इज वॉट वी विल रिप्रेजेंट. वी विल कॉल इट एज नॉन रिटर्न टू जीरो. सो एनआरजेड इट इज नॉन रिटर्न टू जीरो. सो आई टेल यू वॉट इज दिस मीनिंग ऑफ नॉन रिटर्न टू जीरो. इट मीन्स दैट सपोज दिस इज अ टाइम पीरियड इज गिवन. लाइक दिस टाइम पीरियड इज गिवन 0 to tv. सो एनआरजेड मीन्स दिस विल बी अ कंप्लीट टाइम पीरियड. मीन्स इट इज नॉट रिटर्निंग टू जीरो. इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट विल एंड इन टू दैट द डेस्टिनेशन ऑफ दिस टाइम पीरियड. सो दिस इज वॉट एनआरजेड इज. सेकेंड वन इज आरजेड, दैट इज रिटर्न टू जीरो. सो रिटर्न टू जीरो. सो रिटर्न टू जीरो मीन्स इफ दिस इज योर टाइम पीरियड टीबी एंड इफ दिस पल्स विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो इट एट हाफ साइकिल. सो दिस इज द हाफ साइकिल टीबी बाई टू. आफ्टर दिस पल्स विल रिटर्न टू जीरो. सो इट विल बी लाइक दिस. सो दिस विल बी एक्चुअल शेप ऑफ द पल्स. दिस विल सो इन द हाफ टाइम पीरियड इट विल बी हैविंग सम एम्पलीट्यूड एंड इन दैट हाफ टाइम पीरियड इट विल रिटर्न टू जीरो. बट इन एनआरजेड वॉट इट विल बी देयर. इट विल लुक लाइक दिस. सो इट विल कम्प्लीट द फुल टाइम पीरियड. सो इट विल लुक लाइक दिस. इट विल नॉट रिटर्न टू जीरो. सो दिस इज वॉट एनआरजेड इज दैट एनआरजेड एंड दिस इज वॉट आरजेड. आरजेड सो आरजेड इज रिटर्न टू जीरो एंड एनआरजेड इज नॉन रिटर्न टू जीरो. So basically line coding is whatever binary data we are getting, that binary data we have to convert it into the digital signal. So this is known as digital signal. Digital signal. This is digital means if we call this amplitude as 1, so we are having some signal here, and if we call it this part, we are having no signal. So this is the type of NRZ and RZ. So based on this, it is classified into various types. So I'll tell you. We will first of all the line this is first of all it is first an NRZ
So energy has two part, that is unipolar. So it is classified into four part: unipolar, polar, bipolar, and Manchester. And like this, RZ is also classified. So RZ is classified into unipolar, RZ, polar, RZ, bipolar, RZ, and Manchester. So we will see all those thing in this session. So unipolar NRZ, polar NRZ, bipolar NRZ, Manchester NRZ, like this: unipolar RZ, polar RZ, bipolar, and Manchester RZ. So first of all, we will see what is unipolar NRZ. So let me start with the unipolar NRZ. So we will see what is. So our first heading is unipolar NRZ. So suppose that the digital signal is given like this: 110010, and they have asked you to convert this digital signal into electrical pulse. So what I will do, I will first of all I will define the time period. So how to define the time period? So first it will be 0, it will be TB, it will be 2 TB, it will be 3 TB, it will be 4 TB, like this it will go, it will be 5 TB. And suppose, and the number which are given is, for this time period 1 is given, for this time period 1 is given, for this time period 0 is given, for this 0 is given, for this 1 is given, and for this 0 is given. So they will mention in the question, by using unipolar NRZ, convert this binary data into electrical pulse. So first of all we will see. So let me add some participant. So what we have to convert? We have to convert this 110010 into electrical pulse. So what I will do here? So first 1 is given. So what I can do, and then one more 1 is given. So for this complete 1, you have some pulse. So this will be the, for complete 1, this you are having some pulse. In this is the unipolar energy method. Then 0 is given, one more 0 is given. So for this time period, no pulse will be there. So for this time period, you can see no pulse. No pulse. After this 1 is there, so for this time period 1 pulse will be there. After this 0 is there, so no pulse, no pulse. So this is what unipolar and NRZ. So now second part is, you can see polar NRZ. So we can see what we are going to do in polar NRZ. This is unipolar. Now second part is polar NRZ. So for the polar NRZ, what we are going to do, so same thing we will do. First we will write 0, we will assign the time period 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, and 5 TB. We will assign the digit 110010. So see, for the polar energy, what we are going to do, so suppose 1 1 is there, 2 1, so we will give some time period here, 1 1. So up to 2 TB, some time period will be there, 1 1. Then what we are getting, 0 0. So for 0 0, we will get negative time period in polar, negative time period. Here we will get negative time period. Then one more 1 is there. So for one more 1, we will get some time period. After this 1 0 is there. So for that, for this 0, we will get one more negative time period. Negative time period. This is what polar energy. In unipolar, for 0, you are not assigning any value. So it will be complete 0. It will be complete 0. But in polar, what we are doing, for polar, we are assigning the negative time period. Means there will be some value in the downward direction. If 0 will come, then there will be some value in the downward direction. But in the unipolar, it will be constant. No value will be there. So is this clear, unipolar, polar? Should I move to the bipolar? Is these two things are clear? Are you having any doubt? Okay, so now one more thing we are going to see, bipolar. So let me start with bipolar. So for, see, for bipolar, other is bipolar. So suppose same question we have to do with the method of bipolar. So we have 110010. So first of all, what we will do, we will assign the time period. So like this, we will assign the time period. So this is 0,
दिस इज टीवी फर्स्ट टाइम पीरियड, सेकंड इज 2 TV, थर्ड इज 3 TV, फोर इज 4 TV, दिस इज 5 TV, एंड फॉर दिस वी आर गेटिंग 1 1 0 0 1 0. सो सी फॉर पोलर व्हाट वी आर गेटिंग 2 1 कंस्टेंट कंटिन्यूअसली वी आर गेटिंग 2 1. सो फॉर 1 1 वी विल ड्रॉ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस. नाउ अदर वन इज कमिंग, सो फॉर दिस अदर वन वी विल ड्रॉ द नेगेटिव एस्पेक्ट. दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट. नाउ फॉर जीरो वी विल लीव लाइक दिस. फॉर जीरो इट विल बी सेम. फॉर जीरो इट विल बी सेम. नाउ वन मोर वन वी आर गेटिंग. सो हियर वी हैव लेफ्ट विथ नेगेटिव, सो वील स्टार्ट विथ पॉजिटिव. सो वॉट आई कैन डू हियर, आई विल स्टार्ट विथ पॉजिटिव. सो नाउ जीरो इज देयर, सो नो टाइम पीरियड. सो दिस इज बाईपोलर. बाई द नेम इट सेल्फ इट इज गिवन बाईपोलर. बाई मीन्स पॉजिटिव इज ऑल्सो देयर, नेगेटिव इज ऑल्सो देयर. सो सपोज अगर यहाँ वन नहीं होता, यहाँ जीरो होता, यहाँ वन होता, तो ये टाइम पीरियड सेम ऐसे ही बनता. यहाँ पे बनता. एक बार पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव. सो लाइक दिस वी कैन ड्रॉ. दैट वॉज वन. सो दिस इज बाईपोलर. सो वन लास्ट वन इज मैनचेस्टर एंड आरजेड. आफ्टर दैट वी विल सी वॉट इज आरजेड. आरजेड मेथड वी आर गोइंग टू सी. सो लास्ट वन इज मैनचेस्टर एंड आरजेड. इट मीन्स मैनचेस्टर नॉन रिटर्न टू जीरो. सो सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दिस. सेम क्वेश्चन वी आर डीलिंग 1 1 0 0 1 0. सो हाउ वी विल डील. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द टाइम पीरियड. So now we are going to define the time period. 0 TV, 2 TV, 3 TV, 4 TV, 5 TV. So here we are assigning 1 1 0 0 1 0. So in the Manchester, what we are going to do for Manchester, for one we will start from higher to lower. And for zero we have to start from lower to higher. So we have to keep this in the mind. So how we will deal with this Manchester? So suppose one first one is there. So for first one, higher means higher will be like this, higher. Then for half of the circle it will be higher. Then for half of the other half it will be lower. This will be lower. एक ही टाइम पीरियड में ये हायर भी होगा और लोअर भी होगा फॉर मैनचेस्टर केस. नाउ व्हाट वी विल डू फॉर, सो नाउ वन मोर वन इज देयर. सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू, वी विल स्टार्ट विथ हायर. सो वी विल स्टार्ट विथ हायर फॉर वन टाइम पीरियड. दिस इज 2 TV बाई 2. एंड अदर टाइम पीरियड इट विल बी लोअर, इट विल बी लोअर. सो दिस विल फॉर वन. नाउ वी विल सी फॉर जीरो. सो फॉर जीरो वी विल स्टार्ट, वी विल डू. So since we have finished in the higher, we will start from lower. We will start from higher here. So zero, then zero. This is for zero. Then other zero is there. So what we will do? Zero, then zero. If one is there, one, one. Now one more zero is there. So zero and zero. सो आपके आपके अंदर ये डाउट होगा कि अभी आपने बताया कि हायर टू लोअर. सपोज अगर जीरो से स्टार्ट होता, यहाँ पे वन की जगह जीरो होता, तो हम क्या करते हैं? अगर यही टाइम पीरियड टीवी बाई टू, तो पहले हम जीरो से स्टार्ट, लोअर से स्टार्ट करते और कहाँ जाते? हायर पे जाते. ऐसे बनता, उल्टा बनता है इसका. अगर यहाँ पे वन की जगह जीरो होता, अभी अभी और सवाल करेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. सो इज दिस क्लियर मैनचेस्टर एंड आरजेड? सो वी हैव सीन थ्री, दिस इज मैनचेस्टर, वी हैव सीन all those three methods. So I'll show you one more time. I'll revise this. So first we have seen unipolar NRZ. So in unipolar NRZ, for one we are assigning some values, so some time period will be there, but for zero it will be complete constant. Then for one we are assigning some value, for zero constant. Then we have seen polar NRZ. So in polar NRZ, what I have told you, so for one we have given some value, and for zero also we have given some value. Then for one we have given some value, then for zero we have given some value. Now we have seen, after that we have seen bipolar. So in bipolar, what I have told you, for bipolar what we have to do, for bipolar, for one part of the one we have to draw higher. The next one we have to go for lower. For zero it will be constant. So for one higher,
other part for zero it will be constant. Last part we have seen Manchester. In Manchester, what we have done in Manchester, in one time period we have to draw all those three. So in Manchester, what we have done in one time period, first it will be higher, then it will be lower. For other one, it will be higher then lower. If it will start from zero, so for that it will be lower then higher. अभी ये चीजें तीनों चीजें आपको क्लियर है, अगर कहीं दिक्कत है तो बताइए, मैं फिर से एक बार और कोई और एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा। इज देयर एनी डाउट? सर, हाँ बताइए। मैनचेस्टर में सर जीरो वाला नहीं समझ आया, जीरो लोअर टू वाला? हायर टू जा रहा है इसमें, हाँ इसमें तो मैं हायर बता टू लोअर ही तो आ रहा है। बता दे रहा हूँ। बता देखो, हमेशा स्टार्टिंग देखना है अपने को। ये स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? ये हाइयर हो गया अपना, ये हाइयर हो गया, ये लोअर हो गया। अब देखो एक और एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं सवाल ऐसे होगा, मैनचेस्टर का सॉल्व करना हो, अगर मान लेते हैं सवाल ये था अपने पास, ऐसे होगा 0 1 0 1 0 1 एंड वी हैव टू सॉल्व इट बाय मैनचेस्टर। सो हाउ वी विल डील विद, सो आई हैव टोल्ड यू वी हैव टू स्टार्ट इट बाय लोअर। सो पहले टाइम पीरियड डिफाइन कर लेंगे, ये हमारा टीवी हो गया, ये हमारा 2 TB हो गया, ये 3 TB हो गया, ये 4 TB हो गया, ये 5 TB हो गया। सो व्हाट आई राइट हियर, 0 1 0 1 0 1। अब पहले हम लोग हायर यहां से स्टार्ट कर रहे थे जब 1 था, तो अब क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे नीचे से, 0 है तो 0 1 ये हो गया। अब देखो खत्म कहाँ हो रहा है, हाइयर नोड पे खत्म हो रहा है, ये हाइयर यहाँ खत्म हो रहा है। हाइयर नोड कौन सा है, हाइयर हमको स्टार्टिंग देखना है बस, खत्म हाइयर पे हुआ, फिर 1 आ रहा है, तो 1 के लिए क्या करेंगे, लोअर, फिर हाइयर, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर लास्ट में एक और 1 है। कोमल शर्मा, इज दिस क्लियर? कैसे हम ये स्टार्टिंग देखना है बस अपने को, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। अगर ये 1 होता तो हम यहां से स्टार्ट करते, और जहां खत्म हो रहा है उसी के बाद, अगर ऐसा नहीं है कि फिर से आप इस चीज को दोबारा 1 ऐसे बना दोगे, फिर ये कंप्लीट, क्योंकि इसका वैल्यू देखो 0 है, इसका 1 है, पर जब आप एक साथ ये बना दोगे ये, तो ये सेम हो जाएगा, दोनों वैल्यू, दोनों का एम्पलीट्यूड 0 और 1 का एम्पलीट्यूड सेम नहीं हो सकता है। समझ रही है कोमल क्या मैं बता रहा हूं आपको? यस सर, मतलब कि जो अगर मान फर्स्ट लो वाले आप उसको जो बोल रही नहीं है, है। हाँ आपके हिसाब से अगर मैं अगर यहीं से स्टार्ट कर देता तो 0 के लिए भी सेम एम्पलीट्यूड हो जाता, 1 के लिए भी सेम एम्पलीट्यूड हो जाता, तो वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वो सही नहीं है। जहां खत्म हो रहा है एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, बस स्टार्टिंग अपने को देखना है। अगर 1 है तो हायर नोड यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यस सर, क्लियर है सर। और किसी को दिक्कत है नॉन रिटर्न टू 0 में? अगर हाँ सर, अगर बताइए, दो डिजिट सेम आते हैं, जैसे 0 1 1 आएगा तो कैसे बनेगा फिर? बता देता हूँ। आप कोई सवाल बताओ, कोई भी क्वेश्चन बताओ आप। 0 1 1 ये बोल रहे हो ना आप? जीरो वन हाँ 0 1 1 हाँ ऐसे इसको किससे करना है अपने को, किस मेथड से करूं मैं इसको, मतलब यूनिपोलर? यूनिपोलर। यूनिपोलर देखिए, यूनिपोलर में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे, 0 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB। तो देखिए 0 है, 0 में कोई कुछ नहीं, मैंने पहले ही बताया था यूनिपोलर, दिस इज यूनिपोलर। एक बार मैं अभी फिर से सार एक एक और एग्जांपल लूंगा, फिर सब समझा दूंगा। ये यूनिपोलर है मान लेते हैं, तो ये 0 में कुछ नहीं, फिर 1 आ रहा है, तो 2 बार 1 आ रहा है, तो मतलब एक यहाँ 1 है एक यहाँ 1 है, तो ये पूरा कंप्लीट 1। फिर मान लेते 0 है तो कुछ नहीं होगा, फिर मान लीजिए 1 है तो ये 5, ये टाइम पीरियड 5 1 है, तो ये यूनिपोलर। मैं एक और एग्जांपल लेके चारों मेथड को फिर से बता देता हूँ, एग्जांपल चेंज करके आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लेते क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, डिजिटल डाटा ऐसे दिया हुआ है, 0 0 1 1 1 0 ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसको बोला है कि आप यूनिपोलर, पोलर, मैनचेस्टर और बाइपोलर सबसे लगाइए। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, विल स्टार्ट अपने को बस अपने बेसिक्स क्लियर रहेगा तो कोई भी सवाल हम कर देंगे। सबसे पहले हम यूनिपोलर से लगा के देखते हैं, अगर किसी को दिक्कत होगा तो आप मुझे बीच में रोक लेना और बता देना कि कहाँ दिक्कत है, मैं फिर से समझा दूंगा। 0 2 TB, 3 TB, 4 TB, 5 TB,
6 2. सो आई विल असाइन हियर 0 0 1 1 1 0. सो वी आर डूइंग नाउ, वी आर स्टार्टिंग टू डू विथ यूनिपोलर मेथड. सो आई हैव टोल्ड यू फॉर 0 व्हाट वी विल गिव द वैल्यू, कांस्टेंट, नथिंग. फॉर 0 नथिंग विल बी देयर. देन 3 1 इज देयर, सो व्हाट वी विल गिव द वैल्यू फॉर 3 1, दिस विल बी फॉर 3 1. देन वन मोर 0 इज देयर, फॉर 0 नथिंग. सो दिस इज व्हाट यूनिपोलर इज, यूनिपोलर. अभी क्लियर है? आगे मैं पोलर में पढ़ू, इसमें किसी को दिक्कत है? प्लीज बी फ्रीक्वेंट. इस चीज में दिक्कत है आपको? आगे बताऊं, पोलर बताऊं? ओके, सो सी, वी विल डील विथ पोलर. सो नाउ द सेम प्रॉब्लम, 0 0 111 0, सेम प्रॉब्लम, 0 0 111 0. सो नाउ वी विल डील विथ पोलर. सो वंस अगेन वी विल ड्रॉ द टाइम पीरियड. सो दिस इज 0, दिस इज टीवी, दिस इज 2 टीवी, दिस इज 3 टीवी, दिस इज 4 टीवी, दिस इज 5 टीवी, दिस इज 6 टीवी. सो आई विल पुट हियर 0 0 1 1 1 0. सो नाउ वी विल सी, वी कैन सी 2 0 इज देयर. सो व्हाट आई कैन डू, आई विल स्टार्ट विथ नेगेटिव. सो वी विल असाइन नेगेटिव वैल्यू. सो आफ्टर दिस 3 1 इज देयर. सो व्हाट आई कैन राइट, आई कैन पुट 3 1 लाइक दिस. आफ्टर दिस 1 more 0 इज देयर. सो दिस इज फॉर 1 more 0. सो दिस इज व्हाट पोलर, पोलर एनर्जेट, पोलर नॉन अटेंड टू 0. सो आई थिंक ये भी क्लियर होगा. इसमें भी किसी को डाउट है? सो आई विल मूव टू द बाई पोलर. ये बहुत सिंपल है. एक बार आप फिर से इसी चीज को बनाना, एक बार फिर से वीडियो देख के आपको बहुत सिंपल लगेगा. अभी आपको नया लग रहा है, इसलिए थोड़ा डाउट लग रहा है. अभी एक बार प्रैक्टिस करोगे आप, बहुत आसान लगेगा आपको. अब हम चलते हैं बाईपोलर में. तो बाईपोलर में क्या बोला था, यही सवाल को, 0 0 111 0. फिर से हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड डिफाइन कर लेंगे अपना. 0 टीवी, 2 टीवी, 3 टीवी, 4 टीवी, 5 टीवी, 6 टीवी. सो आई पुट हियर 0 0 1 1 1 0. सो फॉर 0 व्हाट आई हैव टोल्ड, नथिंग. क्या होगा यहाँ पे बाइपोलर में, कुछ नहीं होगा 0 के लिए, यहां तक कुछ नहीं होगा. देन वी विल मूव टू द 1. सो फॉर 1 वी विल गिव सम पॉजिटिव वैल्यू. सो व्हाट वी विल गिव पॉजिटिव. देन वन मोर टाइम 1 इज देयर, सो वी विल पुट नेगेटिव. देन वन मोर टाइम 1 इज देयर, देन वी विल पुट पॉजिटिव. देन फॉर 0 नथिंग. सो दिस इज व्हाट बाइपोलर, बाइपोलर एनर्जेट. सो इसमें किसी, इसमें बस अपने को 1 को देखना है बाइपोलर में बेसिकली, और 0 को भूल जाना है. जैसे यूनिपोलर में भी हम लोगों ने क्या किया, 0 के समय कोई वैल्यू नहीं थी, बस 1 के समय पॉजिटिव आ रहा था, 0 के समय कुछ नहीं था. बाइपोलर क्लियर है? सो शैल आई मूव टू द मैनचेस्टर, शैल आई मूव टू द मैनचेस्टर. ओके, सो आई सेम प्रॉब्लम आई विल डू विद द मैनचेस्टर. सो द प्रॉब्लम इज 0 0 1 1 1 0. सो वी विल असाइन द टाइम पीरियड हियर. सो सेम थिंग वी विल डू, 0 टीवी, 2 टीवी, 3 टीवी, 4 टीवी, 5 टीवी, एंड दिस इज 6 टीवी. सो आई पुट हियर 0 0 1 1 1 0. सो नाउ आई टोल्ड यू फॉर 0 व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट इट बाय, फॉर 0 वी विल स्टार्ट इट बाय लोअर टू हायर. सो दिस इज लोअर, दिस इज लोअर, एंड देन अदर पार्ट हायर. सो दिस, देन फॉर 0, सो यहां खत्म हुआ, फिर लोअर देन हायर. अब देखिए फिर 1 आया, तो 1 के लिए क्या करेंगे, नाउ अगेन 1, अगेन 1. सो दिस इज व्हाट मैनचेस्टर कोडिंग. एक पार्ट में 0 होगा, एक पार्ट में लोअर होगा, एक पार्ट में हायर होगा, एक पार्ट में लोअर होगा, एक पार्ट में हायर होगा. सो जस्ट यू हैव टू सी द स्टार्टिंग पार्ट, फिर अपने आप ही बनता जाएगा, और कुछ नहीं करना है अपने को. अभी आरजेड मेथड देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा. सो आगे बढ़े, रिटर्न टू 0 पे चलें. सो इज दिस क्लियर हाउ, एक सवाल ऐसा आएगा आपको 10 नंबर में, ऐसा एक कोड दे दिया जाएगा,
और उसको बोला, आपको बोला जाएगा कि इसको पोलर एनआरजेड से, बाइपोलर आरजेड से और मैनचेस्टर से सॉल्व करिए। तो ये एक ऐसा सवाल आ जाएगा और आपको सारा वहां पे डायग्राम बना के दिखाना होगा। नाउ आई विल मूव टू द रिटर्न टू जीरो। सो व्हाट वी विल सी, व्हाट वी आर गोइंग टू द सी इन द रिटर्न टू जीरो। दिस इज व्हाट रिटर्न टू जीरो। तो देखिए रिटर्न टू जीरो में क्या करते हैं, अगर ये टाइम पीरियड है, ये टीवी है। सो रिटर्न टू जीरो मीन्स इफ इफ दिस पल्स विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इफ इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो इन द हाफ ऑफ द टाइम पीरियड इट विल रिटर्न टू जीरो। सो दिस इज व्हाट जीरो इज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न जीरो पे रिटर्न कर जा रहा है। तो नाउ वी विल सी द फर्स्ट पार्ट, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट फर्स्ट पार्ट इज यूनिपोलर आरजेड। सो हाउ वी विल डील विद द यूनिपोलर आरजेड, वी विल सी हियर। सपोज द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, 1 1 0, सेम प्रॉब्लम, 1 1 0 0, नाउ 1 more 1 and 0। व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर दिस यूनिपोलर आरजेड, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड डिफाइन कर लेंगे। सो वी विल डिफाइन द टाइम पीरियड 0 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, 5 TB, एंड वी विल पुट हियर 1 1 0 0 1 0। अब क्या करना है अपने को, 1 है तो हाफ सर्किल में 1 होगा, ऐसे होगा, हाफ सर्किल में 1 होगा, फिर ये रिटर्न टू 0, फिर 1 है तो हाफ सर्किल में 1 होगा, देन इट विल रिटर्न टू 0। नाउ 0 इज हियर सो नो वैल्यू, नाउ 1 more 0 इज हियर सो नो वैल्यू, फिर 1 है हाफ सर्किल में 1 होगा, फिर रिटर्न टू 0, नाउ 0 इज हियर सो नो वैल्यू। सो दिस इज द आरजेड मेथड फॉर यूनिपोलर। तो अभी एक एक मैं बता रहा हूं तो बहुत सिंपल लगेगा, पर जब तक प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, सब कर लोगे, तो फिर ऐसे ही लगने लगेगा आपको। मतलब अभी आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, फिर अगर एकदम से कोई पूछ दिया कि यूनिपोलर आरजेड से ये बनाओ, तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा इस चीज को ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। सो इज दिस क्लियर, दिस दिस पार्ट इज क्लियर, हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ यूनिपोलर आरजेड। शुड आई मूव टू द पोलर पार्ट, इसमें कोई दिक्कत है आपको? कुछ नहीं करना है अपने को, ये हाफ टाइम पीरियड अगर आपको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर लो, ताकि आपका डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 TB/2, दिस इज व्हाट, 4 TB/2, इसको डिफाइन कर लो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आप अगर इसका आप यूनिपोलर आरजेड बनाते, तो यूनिपोलर आरजेड ऐसे बनता, ऐसे पूरा और ये खाली रहता, फिर ये पूरा ऐसे बनता। पर एनआरजेड बनाते तो, पर आरजेड में क्या हो जा रहा है, इसका सबका आधा हो जा रहा है, रिटर्न टू जीरो। सो शुड आई मूव टू द अदर सेक्शन पोलर, ये क्लियर है आपको रिटर्न टू जीरो कैसे बनाया? मैं एक और एग्जाम्पल लेके समझाऊँ आपको इस चीज को, यार क्लियर है आपको? इज दिस क्लियर हाउ वी हैव सीन? ओके सो नाउ वी विल सी आरजेड फॉर पोलर एंड पोलर आरजेड। सो सेम एग्जाम्पल इफ यू कैन सी, 1 1 0 0 1 0। सो सपोज हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द टाइम पीरियड 0 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, 5 TB। सो वी हैव डिफाइन द टाइम पीरियड, सो आई पुट हियर 1 1 0 0 1 0। अब कैसे बनाएंगे इसको, देखिए सबसे पहले 1 है, तो 1 के केस में क्या बोला था मैंने, 1 के केस में हाफ सर्किल पे पॉजिटिव, फिर ये 0, देन 1 more 1 इज देयर, हाफ सर्किल पे पॉजिटिव, देन 0। अब क्या है, 0 है तो इट विल बी लाइक दिस, हाफ सर्किल पे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर रिटर्न टू 0। फिर क्या है, 0 है हाफ सर्किल पे नेगेटिव, फिर 0। फिर क्या है, 1 है एंड हाफ सर्किल पे पॉजिटिव, देन 0, देन इट इज 0, सो हाफ सर्किल पे नेगेटिव, देन 0। यहाँ पे क्या है अपना 6 TB। तो अभी आपको फिगर थोड़ा अलग लग रहा होगा, सो इज दिस क्लियर, इसमें कोई डाउट है?
सो नाउ आई विल सी व्हाट इज बाइपोलर, बाइपोलर आरजेड, बाइपोलर आरजेड। सो बाइपोलर में बस अपने को वन ही देखना है, मैंने पहले ही बताया था एनआरजेड मेथड में। सो सपोज द प्रॉब्लम लाइक दिस, 1 1 0 0 1 0, दिस इज आवर प्रॉब्लम। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिफाइन द टाइम पीरियड। दिस इज 0, दिस इज टीवी, दिस इज 2 TV, दिस इज 3 TV, दिस इज 4 TV, एंड दिस इज 5 TV, एंड दिस लास्ट इज 6 TV। सो इफ आई पुट हियर 1 1 0 0 1 0, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी 1 हियर। सो वन में क्या होगा, हाफ सर्किल पे पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर रिटर्न टू 0, फिर 1 है तो हाफ सर्किल पे पॉजिटिव देन रिटर्न टू 0, फिर 0 है इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर 1 आया, फिर यहाँ पे नेगेटिव पे खत्म किया है हम लोग, फिर किस पे पढ़ेंगे, पॉजिटिव पे, हाफ सर्किल पे पॉजिटिव, फिर 0, फिर 0 है तो ये खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट बाईपोलर आरजेड। सो लास्ट सेक्शन इज मैनचेस्टर, सो हाउ वी विल गोइंग टू सी द मैनचेस्टर लास्ट सेक्शन। अभी 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 आयुषी या किसी ने डाउट पूछा था, वो क्लियर हो जाएगा आपका मैनचेस्टर में, जो आप बोलना चाहती थी मैनचेस्टर। सो सपोज सेम प्रॉब्लम वी आर डूइंग मैनचेस्टर, 1 1 0 0 1 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ द टाइम पीरियड, दिस इज टीवी, दिस इज 2 TV, दिस इज 3 TV, दिस इज 4 TV, दिस इज 5 TV। सो आई पुट हियर 1 1 0 0 1 0। सो फॉर मैनचेस्टर व्हाट व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि हाफ पहले देखना है, 1 हायर टू लोअर, सो हायर टू लोअर मीन्स हायर टू लोअर, यही यही खत्म हो जाएगा हाफ पे, देन वन मोर टाइम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, देन इट विल रिटर्न टू 0, इट विल रिटर्न टू 0। नाउ 0 इज देयर, सो लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, आफ्टर दिस इट विल रिटर्न टू 0, देन मोर 0 इज देयर, सो व्हाट आई विल डू, लोअर टू हायर, देन इट विल रिटर्न टू 0, आफ्टर दिस 1 इज देयर, सो हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, देन इट विल रिटर्न टू 0, देन 0 इज देयर, सो 0 लोअर टू हायर, इट विल रिटर्न टू 0। सो दिस इज व्हाट मैनचेस्टर इज, सो दे विल गिव यू एनी प्रॉब्लम एंड दे विल आस्क यू Sir, टू can you re-explain ओके श्योर, सो आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। I'll draw the figure for Manchester. First, we will define the time period 0 TV, 2 TV, 3 TV, 4 TV, 5 TV, and 6 TV. So this is what 1 1 0 0 1 0. So what we are going to do with Manchester? So suppose for 1, I'll write here higher to lower, for 0 lower to higher, and we have to keep in mind that we are dealing with return to 0, so it will return to 0 also in this time period। ये तीन चीजें दिमाग में रखनी है अपने को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इज देयर, सो व्हाट आई हायर, दिस इज हायर पॉइंट, हायर टू इज दिस क्लियर, कैन यू सी दिस, नाउ इट विल रिटर्न टू 0, सो आफ्टर दिस हायर टू लोअर, यू कैन ड्रॉ द फुल सर्किल ऑल्सो, और यू कैन, अगर यहाँ पे भी आप रोक दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ड्रॉ द फुल सर्किल ऑल्सो हायर टू लोअर। नाउ 0 इज देयर, सो फॉर 0 लोअर टू हायर, नाउ इट विल बी
जीरो, फॉर जीरो इट विल बी लोअर टू 5, इट विल रिटर्न टू जीरो, फॉर वन इट विल बी हायर टू लोअर, फॉर जीरो इट विल बी लोअर टू हायर, सो दिस इज व्हाट मैनचेस्टर इज. ऐश्वर्या इज इट क्लियर? देखो कुछ करना नहीं है अपने को, आप देखो वन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन देखिए वन या अपने को क्या देखना है, वन है तो हायर नोड से स्टार्ट हो रहा है, तो एक एक पीरियड में हायर होगा, ये एक एक पीरियड हो गया, ये यहाँ पे हायर होगा, उसी टाइम पीरियड से अपने को नेगेटिव भी दिखाना है, यहाँ खत्म हो रहा है तो उसी टाइम पीरियड नेगेटिव भी दिखा देंगे, और ये खत्म हो गया फिर न, ये अपना एक टाइम पीरियड मान लीजिए यहाँ पे. अगर मैं सिंपल वे में आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए, इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, आप सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया ये करो, सो सपोज वन इज देयर, सो व्हाट आई हैव टोल्ड हायर, दिस इज हायर नोड, दिस इज हायर नोड, दिस ये क्लियर हो गया, हायर यहाँ पे हायर है. अब अपने को क्या दिखाना है, नेगेटिव भी दिखाना है अपने को, अपने को मैनचेस्टर में क्या था कि एक ही टाइम पीरियड में पॉजिटिव भी होगा और एक ही टाइम पीरियड में नेगेटिव भी होगा, दिस इज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम वन, नाउ वी नाउ यू आर कंफ्यूज कि हम लोग यहाँ से क्यों स्टार्ट करते, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, नेगेटिव भी दिखाना है अपने को, बस खत्म, और ये जीरो हो गया, बाकी जीरो हो गया. फिर देखिए वन है तो अपने को पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, ये हायर टू लोअर पॉजिटिव से स्टार्ट किया, फिर अपने को एक नेगेटिव भी दिखाना है, ये नेगेटिव से स्टार्ट किया, नाउ इट विल बी दिस पार्ट विल बी जीरो. अब देखिए फिर जीरो है तो अपने को अब लोअर से स्टार्ट करना है, ये लोअर से स्टार्ट किए, लोअर से स्टार्ट किए, लोअर से, अब ऑलरेडी वी हैव सीन द नेगेटिव पार्ट, वी हैव टू डील विद वन मोर पॉजिटिव पार्ट, सो वी विल ड्रॉ वन पॉजिटिव पार्ट, दिस विल बी जीरो, फिर वन मोर टाइम जीरो इज देयर, सो वी विल स्टार्ट विद जीरो लाइक दिस, लोअर टू हायर, सो वी हैव ऑलरेडी डन नेगेटिव पार्ट, सो वी विल ड्रॉ वन पॉजिटिव पार्ट, this will be zero, return to zero, फिर one is there, so for one positive part, then we have to draw the negative part, so we'll draw the negative part, then it will be return to zero. अब आपको क्लियर हो गया, बस आप इतना ध्यान रखो मैनचेस्टर में अगर आरजेड होगा तो एक टाइम पीरियड में पॉजिटिव भी होगा और एक ही टाइम पीरियड में नेगेटिव भी होगा, अगर एनआरजेड होगा तो आपको रिटर्न टू जीरो भी दिखाना है, बस इतना ध्यान रखो, सवाल आपको गलत नहीं होगा. आई विल गिव यू वन मोर वन प्रॉब्लम, आप घर पे एक बार सॉल्व करना, वी विल डिस्कस दिस, देन योर डाउट विल बी क्लियर. सपोज द प्रॉब्लम लाइक दिस, 0 1 0 0 0 1 1, यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द ऑल द एट मेथड्स वी हैव व्हिच वी हैव सीन बाय यूनिपोलर एनआरजेड, यूनिपोलर पोलर एनआरजेड, बाई पोलर एनआरजेड and Manchester again with unipolar RZ, polar RZ and Manchester. So if you can see videos, or if you read it from the books, so in the books Manchester RZ is not given. So आपको अगर आप एक बार वीडियो में ढूंढोगे तो Manchester RZ नहीं दिया हुआ है. So many of पीपल इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, सो इसका जरूरत नहीं पड़ता है, सो दे हैव इग्नोर दिस, बट आप इसी कंसेप्ट को लगा के एक बार इसको बना के देखना, आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखना या जो भी आप एक बार देखना, तो यू यू कैन फाइंड देयर दैट मैनचेस्टर आरजेड इज नॉट गिवन, बट वेन यू विल बट वेन यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट यू कैन ईजिली ड्रॉ. तो जो मैंने बताया है आप एक बार उसको लगा के एक बार बना के देखना, जहाँ भी दिक्कत होगा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. So the meeting is going to end in 5 minutes. So shall I start a new session? अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मैं फिर से कोई एक सवाल लगा के आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूँ. जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे आपको क्लियर नहीं होगा. So what will you please tell? Shall we start a new session or we are you you will solve this problem and we will discuss in the next session, next meeting? Okay, so please try to solve it, or agar
ओके ट्राई टू सॉल्व इट. अगर दिक्कत होगा तो यू कैन लीव दिस. अगर यू कैन इफ यू कैन डाउनलोड पेपर ऑफ आईटीसी, सो यू कैन सी क्वेश्चंस आर नॉट देयर फ्रॉम दिस मैनचेस्टर सेक्शन, आरजेड सेक्शन. सो आप अगर डाउट होता है तो इसको छोड़ दीजिएगा, जितना हो रहा है उतना ही लगाइएगा, मैं इसको फिर से डिस्कस कर दूंगा. तो ये अभी तक पूछा नहीं गया आपके, एक बार आप पेपर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं. तो जहां तक पूछा गया है इन चारों से और इन तीनों से ही पूछा गया है. सो ट्राई टू सॉल्व इट. वी विल, अगर कोई भी दिक्कत होगा, वी विल मीट इन द नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन. वी विल डिस्कस ऑल दिस प्रॉब्लम व्हिच वी हैव सीन. सो थैंक यू फॉर टुडे. वी विल मीट ऑन मंडे और ट्यूसडे. ओके अच्छा, थैंक यू. थैंक यू कोमल, थैंक यू किरण, थैंक यू सूरज. पलक, थैंक यू. श्रेया, थैंक यू. थैंक यू टू एवरी वन. वी विल मीट ऑन मंडे. कोमल सेंड मी द अटेंडेंस. आई थिंक वी हैव नॉट, आई हैव नॉट told her to say that in this. Komal is there? Well, call her still. ओके किरण, ओके ओके, प्लीज टेल हर.